नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिश है उसका नाम है चिकन धाबू। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन ये 1 केजी के करीब है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं, उस बोन से बोन के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं तो मैंने ये यूज़ किया है। इसके लिए नमक, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया है, अजवाइन है, लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। ये इटालियन सॉस है, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन है, लेमन जूस है, और ये मैं थोड़ा सा थिक करने के लिए हमने कॉर्नफ्लोर लिया और एक एग। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। कम ज़्यादा स्पाइस अगर आप खाते हैं स्पाइसी तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने उसके अंदाजे के मुताबिक डाली है। ये एवरी थिंग सीजनिंग है, ये मैं डालूंगी। आपके पास अगर सफ़ेद तिल है तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सफ़ेद तिल है और ऑनियन सीड है। अब ये एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। पहले इनको सारा मिक्स कर लेते हैं। देखेंगे अच्छे से इसमें कोटेड हो गया सारा ये जो हमने डाले थे स्पाइस वगैरह। तो अब इसके साथ मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। इसको मैं अभी हाफ डाल के देखूंगी कि ये इतना रहेगा, ठीक रहेगा, या हमें और भी ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसमें हाथ से यूज़ करूंगी, वो अपना हाथ यूज़ करूंगी ताकि ये अच्छे से ज़रा कोट हो जाए इसके ऊपर। इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूंगी, लेकिन आप अपने उस मुताबिक जितना ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए ही करूंगी। अभी इसमें और डलेगा। ये इसमें बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाद में भी डालना पड़ जाता है, क्योंकि ये गीला है तो इसमें हम ड्राई डालेंगे, ये अपने अंदर खुद ही वो सारा वो इसमें से इसका हो जाता है। अगर हम पानी का अच्छी तरह ये मिक्स हो गया, इसको अब मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें सारे स्पाइस जो भी मसाले डाले हैं वो इसमें अच्छी तरह ये चिकन अपने अंदर सोख कर ले। तो ये बाकी की रेसिपी हम 1 घंटे बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये 1 घंटा हो गया मेरे चिकन को मैरिनेट किए हुए, तो अब मैं ऑयल साथ ही गर्म रख दिया, तो देखते हैं कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। अभी ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे।
अब जितने में ये थोड़ा सा इसको अच्छा फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अभी ज़रा थोड़ा सा 2-4 मिनट देंगे, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये चिकन तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। ये इसको मैंने साइड चेंज कर दी है। अब इस तरह से कुक होगा, जितने में हमारा ये गोल्डन ब्राउन जैसे होता है उतने में हम मिंट मार्गरिटा बना लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। नमक, लेमन जूस, काला नमक और ये चीनी है, और 1/2 कप क्रश आइस है, और ये 2 मैंने लिए स्प्राइट के, लेकिन मैं 1.5 ज़्यादा डलेगा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी, नमक, सफेद नमक, लेमन जूस, ये पुदीना है पेस्ट है, मैं पेस्ट कर लूँगी तकरीबन 3 टीस्पून। अब इसको हम चला लेंगे। ये हमारा मिंट मार्गरिटा तैयार है, इसको भी गर्म बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे इसका गोल्डन कलर, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। हाँ जी, ये इस तरह से आप सारे बना लें, डाल के तो इसको पका लेंगे। ये बहुत इजी और जल्दी बन जाती है। अगर आपके गेस्ट अचानक से कोई आ जाए तो आप ये फौरन बना सकते हैं। ये देखें, ये इनका भी गोल्डन कलर आ गया, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं।
इसके अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ये हमारा कंप्लीट ग्रेटर को हम फाइनल वो देते हैं शक्ल, और अब देखते हैं फिर। मैं आइस यहाँ से और ले लेती हूँ। गार्निश के लिए किया हमारी आज की रेसिपी चिकन धाबू, और इसके साथ केचप के साथ ट्राई करें आप। और ये हमारा मिंट मार्गरेटा है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।